तो मौसम देखो, अभी हवा चल रही है बहुत गंदी वाली, बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी तो हम ऊपर ही है, मंदिर भी मतलब मंदिर के बाहर ही आए थे। अभी तो कुछ खाने वाने का प्लान था और सही में बहुत ठंडी हवा है, बहुत ठंडी हवा है। हवा देख लो कितनी तेज हवा है। देखो ये रस्सी बंधी है, रस्सी हिल रही है। अब देखते हैं, हमारा प्लान ये है शाम तक हमें नीचे पहुंचना है कैसे भी करके। और अब देखते हैं मतलब बारिश में जाना है कैसे जाना है। थोड़ी बहुत आधा घंटे का टाइम देते हैं, बारिश बंद होती है तो अच्छा है। अभी देखता हूँ। और भाई ब्लॉगिंग चल रही है, चल रही। कैसा है मौसम? कैसा? बढ़िया बढ़िया एकदम। बादल लगे पूरे, बादल लगा दे पूरा भाई। तो ये हुआ टेंट वाले भाई, जिन्हें टेंट था सुबह, तो वहीं पर खाना खाना आया था। कोई खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब है यहाँ पे, मतलब समझ लो जो तुम्हें खाना चाहिए वो मिलना ही नहीं यहाँ पे। तो एक जगह थोड़ा पसंद आया खाना, टेस्ट, वहाँ पर हम रुके दोबारा आके। सो अभी कुछ खा पी के निकलने का प्लान था, पर एकदम से मौसम इतनी जल्दी बिगड़ा है। देखो कितनी तेज हवा चल रही है और टेम्परेचर एकदम से गिरा, एकदम से टेम्परेचर गिर गया पूरा। वही धूप निकल रही थी और एकदम से टेम्परेचर गिर गया। तब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ से वापस। और हमारे भैया की हालत देख लो तुम। इनकी हालत देखो भाई, थक गए तो। दो बंदे रहे हमारे। और मौसम को देखो भाई साहब, मौसम देखो तुम। बस बारिश हो रही है, लाइन देखो यहाँ तक लाइन लगी हुई है। करीब करीब 1 किलोमीटर आ चुके हैं हम। 1 किलोमीटर दिख रही है भाई लाइन, तो 1 किलोमीटर लंबी होगी कम से कम। ये मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। और हेलीपैड सामने है। अब चलते हैं थोड़ा सा, और बारिश हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कैसे कहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँच रहे शाम तक यही सरसी हमें। यहाँ पे एक मेडिकल का भी है, किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई। ऑनलाइन देखो भाई साहब, लाइन जहाँ तक देखो वहाँ तक लाइन दिख रही है भाई। ये खड़े दोनों, फोटो शूट नहीं खत्म हो रहा इन बंदों का यार। भाई जहाँ तक देखो वहाँ तक लाइन है। अरे ये तो हमारे नसीब सीधे, तो न्यू दर्शन हो गए। 5 घंटे का वेटिंग। चलो ठीक है, रास्ते में करते स्टार्ट करते हैं कैमरा। बारिश स्टार्ट हो रही है तो कैमरा डालते हैं बैग में अपना, चलते हैं। पहली बार देख रहे हैं भाई हेलीकॉप्टर इतनी पास से उड़ते हुए। दोनों शॉट हो गए हैं। पानी तो कैसे गिर रहा है इनका, तो कैमरे में पता नहीं। देखो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट दोनों में एग्जॉस्ट लगा हुआ है पंखड़ के नीचे बिल्कुल। पहली बार है एग्जॉस्ट की, तो कैसा होता है पूरा जेट का इंजन है भाई। ये तो साउंड देखो टाइम कितनी गंदी आ रही है। ये पहले कौन सा उड़ेगा इनमें, देखिए सर। वो उड़ेगा पहले, आगे वाला, राइट वाला। कैसा लगा पहले भाई हेलीकॉप्टर देख के? कैसा लगा भाई हेलीकॉप्टर देख के? इसकी तो लंका इसे वो ना मिला, सर्वर ना मिले मुझे। इसको सर्वर नहीं मिला तो बता, ना मिला ना फोन ना मिला दिया। हाँ भाई, हाँ भाई कैसा लगा? अच्छा लगा भाई, इतनी पास से देखते पहली बार। बैठते हम भी, बैठते फिलहाल ये इनकी सीट बुकिंग हो गई है, अगली बार आएंगे। हम तो कह रहे हैं इनसे कि हमें पंगड़ी उस पर लटका के ले चलो, चला जाऊंगा मैं सत्ता भाई मेरा। चलो ठीक है, चलते हैं घोड़े घोड़े। तो भाई अभी नीचे उतर रहे हैं हम, और हमारे पीछे आकाश भाई है हमारे। ये लाठी मिल गई किसी की, पता नहीं कहाँ से मिली है। और 2 बंदे घोड़े पे आए थे, घोड़े पे जा रहे हैं वापस भी। उनकी हिम्मत नहीं बन पा रही पैदल जाने की। और रास्ता दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये रास्ता कैसा हो रहा है इसमें देखो। तो थोड़ी बर्फ़ पड़ी है साइड में। वो जो रात मैंने वीडियो दिखाई थी ना, मतलब 12 फीट वाली जो बर्फ़ की बॉल थी, अब देखते हैं रास्ते में आएगी तो कैसी दिखती है। कल जब हम आ रहे थे तो उस टाइम पे सब कुछ वो था, सब कुछ अंधेरे में था रास्ते के टाइम पे। ये सारा रास्ता रात के टाइम पे अंधेरे में था, पता नहीं अब देखते हैं 12 फीट वाली बर्फ़ कैसी लगती है। वहाँ पे कैमरा खोलते हैं, ऐसे कुछ व्यूज़ आ रहे हैं और धूप हो रही है बढ़िया यहाँ पे। चलो जी, तो ये है बर्फ़ की वो बॉल जो देख रहे थे हम रात। ये है भाई, पानी पीना है? पानी पीना है? वो लगाएगा प्यास। साफ है वैसे, है बिल्कुल साफ बर्फ है। ओ भाई साहब, मुझे तो बुरा रहा भाई साहब, कपड़े में घुस गई। ठंडक तो दे देगा। हाँ भाई आकाश सुपर। भाई देखो चूचू वाला पूरा होगा बर्फ कवर। बीच में रास्ता खोल दिया उन्होंने अपना। फोटो ले लो एक। तो भाई अभी हमने शॉर्टकट मारने के चक्कर में देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। अच्छा नीचे पानी बह रहा है पूरा और ऐसे चलना पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसा पता नहीं क्या पत्थर भी अपट रहे हैं। मतलब यहाँ पे लाठी मिल जाती है तो बहुत सही रहता है मेरे लिए, बट उस बंदे की जूते आगे स्किट कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब कुछ भी बोलो, देखो आगे देखो रास्ते देखो तुम। ये रात के टाइम पे तो हमें दिखे नहीं है शॉर्टकट, बट अब शॉर्टकट दिख रहे हैं, शॉर्टकट पूरे कर रहे हैं अब हम। देखो चलो भाई, कौन सा शॉर्टकट ले आया पता नहीं कौन सा है। पहुंचते हैं बाहर, निकलते हैं और क्या। चलो भाई चलो। ओए कोड़ता लिया क्यों जो सुनियो बंदा क्यों जो सुनियो बंदा। इस तरह से कुछ रास्ता है और हमारा पीछे रह गया है। चलो भाई चलो 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 छोड़ दे। किस किस की हिम्मत है। यहाँ पे वाटरफॉल भी छोटा सा। ओह जय महादेव। चलो भाई ये बन वे रास्ता। ये भाई साहब वेट करते हैं भाई का। हमारा भाई का रह गया, वो तो कैसे कैसे आ रहा है, तो कैसे कैसे आ रहा है, बीच में कुत्ता जा रहा है। ठीक है ना, ये जो झाटी लेके आ रहा है। आजा भाई आकाश। आ गया भाई हमारा फाइनली। व्यू देखो भाई साहब, तुमको तो बर्फ है। कैसा लगा? मजा आया इस वाले में। काफ़ी लॉन्ग था ये वाला, शॉर्टकट भी लॉन्ग था। पता है कितने किलोमीटर से काट दिया हमारा, पता भी नहीं। चलो हम चलते हैं नीचे। अभी इतना रास्ता है। तो भाई अभी रह गए गोरिकुण्ड राउंड 2 किलोमीटर और हमें उतरते हुए 4 घंटे के आसपास, उतरने में तो टाइम लगा, चढ़ने में लगा था। और जो मेरे साथ 2 बंदे थे, हम पैदल वाले, 2 बंदे घोड़े वाले। ये भाई था घोड़े वाला, ठीक है, ये आधे रास्ते में घोड़ा मेरे साथ वाला बंदा था, उसने चेंज मार दिया। अब इसको मज़ा आ रहा है उतरने में, हम ऊपर से उतर के आ रहे हैं। हालत देखो लोगों की कैसी हो रही है। अरे भागा भाग जा रहा आदमी। भाई सबकी हालत पूछना चाहोगे, कैसा लग रहा भाई उतरते मज़ा आ रहा है? पैरों में क्या हालत है? कुछ ब्रेक काम कर रहे नहीं कर रहे? दर्द हो रहा है। अभी ये बंदे बोल रहे हैं 2 किलोमीटर पहले से उतरे हैं। नहीं, मैं तो चढ़ने पैदल आना चाह रहा था, पर बाबा नु करे तू बेटा घोड़े से आ। हाँ, बात है और कुछ बात। जब भी तुम 1 किलोमीटर वापस जाके घोड़ा लेके आए थे। तो भाई देखो ये यहाँ पे इमरजेंसी हेलीपैड है कि यहाँ पे। और अरे बस 2-2.5 किलोमीटर रह गया मुश्किल से, 2 किलोमीटर के आसपास ही रह गया वैसे तो। बट रास्ते देखो तुम, मेन प्रॉब्लम रास्ते की है बस। भाई देख क्या, उस साइड हो, उस साइड हो, आराम से। एक कीचड़ में ना इतनी गंदी हालत की हुई है यहाँ पे, देखो आगे हालत देखो कीचड़ की। ये हालत है रास्ते की। तो भाई साहब बस आज का ट्रिप है सही रहा। और आज की क्लिप बड़ी सही सही आई है, मैंने जो रास्ते की क्लिप बनाई है बड़ी सही सही क्लिप्स आई हैं। पर थोड़ा नीचे ध्यान देते हैं रास्ते पे, नहीं तो अभी हमारे ब्रेक फेल हो जाने हैं। ABS काम नहीं कर रहा है, ABS काम नहीं कर रहा हमारा भी। उसके बाद से हैंड ब्रेक है, मेरे पास हैंड ब्रेक भी नहीं है। अरे कष्ट के लिए खेद है जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका, ये लिखने के लिए, बोर्ड यहाँ पे लगाने के लिए। भाई ये रेलिंग नहीं है रोड पे, हालत देखो इसकी तुम, क्या है कुछ नहीं पता। आपत्तिजनक स्थिति में भाई हाथ डालो तो पहले, वैसे बैलेंस नहीं बन रहा, वो बैलेंस नहीं बनता सर। आए रही है तो पैरों में जो होते हैं नीचे वाले मसल्स होते हैं, अकड़ गए पर फूल गए हैं, समझ लो तुम। इतना रास्ता रह गया वैसे तो, बस ज़्यादा नहीं रहा। और डे 3 का दिखाया, डे 3 का मतलब सही मज़े कर लिए हम, दर्शन अच्छे हो गए हमें सुबह, और रास्ते भी अच्छा मिल गया, ट्रैक भी जल्दी हो गया, 4 घंटे में ट्रैक हो गया पूरा हमारा। जाने में वही 10 घंटे लगे थे इसमें, और मेरे GoPro की बैटरी भी जाने वाली है, तो बस ब्लॉग को ख़त्म ही करना है मैंने अब नीचे से बाइक उठाएंगे और रूम पे जाएंगे। फिर कल का देखते हैं कल क्या प्लान बनेगा, अभी नीचे पहुँच के फिर कंटिन्यू करते हैं। उन दोनों बंदों से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा उन दोनों का, घोड़े का। तो भाई दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी से भी अराउंड 2-3 किलोमीटर नीचे हैं, और ऊपर हमारे भाई साहब जी थे कुछ, ये तो बैठे हैं ना हमारे भाई, हमें ऐसे तो खाना चल रहा है। और अभी अराउंड टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं ना, 11 से ऊपर टाइम हो रहा है। तो दूसरे वाले फ़ोन में देखो भाई, फ़ोन एक ही है। हम तो 11 बजे रहे हैं अभी, और हम अपना सोन प्रयाग से अराउंड 1-1.5 घंटे ड्राइव के बाद नीचे आ चुके हैं। बाइक सामने खड़ी हैं दोनों। आज का दिन सही में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है हमारा देखा जाए तो, क्योंकि फिर उसके बाद भाई साहब हमारे घोड़े वाले थे 2-3 बंदे, उनके पंगे पे बहुत। मेरे पास आज का मतलब ब्लॉग का आइडिया ही करना है मुझे, और कल सुबह हम स्टार्ट करेंगे। कल सुबह हम किस टाइम निकल जाएंगे भाई? 3 बजे। 3 बजे बोल रहा है भाई, तो कल सुबह हम निकलेंगे अपने टाइम से 9-10 बजे के आसपास, और शाम तक बिजनौर पहुँचना है। और फिर उसके बाद कल अपना कल के ब्लॉग में मैंने पूरा कैमरे GoPro का ब्लॉग होना है, उसमें डिस्कस करेंगे भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या कैसे लगी, क्या बढ़िया रहा, क्या प्रॉब्लम आई, क्या नहीं आई, या फिर हेलीकॉप्टर से आना तो किस तरह करना है, क्या करना है। तो उसके लिए इंतजार कर लो, और अगला एपिसोड आएगा उसका डे 4 का आएगा, तो उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी तुम्हें। और फिर बुक रह जाएगा तो फिर क्वेश्चन। ओके चलो सही है, गुड नाइट, हर हर महादेव।